हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आपका मेरे संजय CRDM चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी कि करंट से इलेक्ट्रिक करंट की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बात की थी आपसे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर यानी कि GS पर बनाना चाहता हूँ, करंट अफेयर पर लाऊंगा। तो मेरी जो वीडियो है ये वो करंट अफेयर पर आधारित है, जो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि 3 तारीख के IAS के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे कि मैं जिन टॉपिक पर बात कर रहा हूँ इनको नोट ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ अपना। मेरा पहला टॉपिक है आरकॉन के वायरलेस ढांचे का अधिग्रहण, आरकॉम के वायरलेस ढांचे का अभिग्रहण। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये अभिग्रहण जो है एक समझौता है। ठीक है, क्या है? एक समझौता है, दो कंपनियों के बीच में एक समझौता हुआ है। और वो कंपनी किस चीज़ की? मुकेश अंबानी की और उनके भाई अनिल अंबानी की। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, वो है मुकेश अंबानी की नीत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो और अनिल अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस इन्फोकॉम यानी कि जिसे आरकॉम के नाम से भी जाना जाता है, आरकॉम की एयरलेस ढांचे की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए 28 दिसंबर 2017 को समझौता हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 28 दिसंबर 2017 को समझौता हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक बजट में की कटौती। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने जो वार्षिक बजट है उसमें कटौती की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018-19 के लिए 5.397 अरब डॉलर के वार्षिक बजट को पारित किया है। ठीक है, कितने? 5,397 अरब डॉलर के वार्षिक बजट को पारित किया है। यह वार्षिक 2016-17 के लिए माननीय बजट से 5% यानी 28.6 करोड़ डॉलर कम है। ठीक है, कितने डॉलर कम है? 28.6 करोड़ डॉलर कम है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018-19 के लिए 5.397 अरब डॉलर के वार्षिक बजट को पारित किया है। यह वर्ष 2016-17 के लिए माननीय है और इस माननीय बजट से 5% यानी 28.6 करोड़ डॉलर कम है। कौन से बजट से? जो वर्ष 2016-17 के लिए जो माननीय बजट था उससे 5% यानी 28.6 करोड़ डॉलर, ये जो हमारा 2018-19 का बजट है वो कम है। ठीक है, तो इसमें कटौती की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम पांचवी मौद्रिक नीति समीक्षा की। ठीक है, पांचवी मौद्रिक नीति समीक्षा की, तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं पांचवी मौद्रिक नीति समीक्षा क्या है। ये 6 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, ठीक है, किनके गवर्नर? रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि इसे MPC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, MPC ने चालू वित्तीय वर्ष की पांचवी मौद्रिक नीति समीक्षा में, ठीक है, निम्न मुख्य बातें उसमें हुई थी। जो निम्न बातें हुई हैं वो टोटल 9 बातें थी, और कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बता देता हूं आपसे कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, IAS के एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, केंद्र दोस्तों, ये पहली बात है इसमें, केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर बढ़ने में आशंका जताई है। ठीक है, केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर बढ़ने में आशंका जताई है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें, रेपो दर 6.0% पर स्थिर रही। ठीक है, क्या रही है? रेपो दर। तो दोस्तों रेपो दर के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, नोट कर लेना कि जो रेपो दर होती है, ठीक है, रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, ठीक है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तत्कालिक जरूरत के लिए
नकद ऋण सुलभ कराती है। ठीक है, ये रेपो दर होती है, यानी कि रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तत्कालिक जरूरत के लिए नकद ऋण सुलभ कराती है। ठीक है, नकद ऋण क्या कराती है? सुलभ कौन कराती है? केंद्रीय बैंक। ठीक है, किनको? वाणिज्यिक बैंक। इसके बाद है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर 5.75% पर स्थिर रही है। ठीक है नी, तो दोस्तों रिवर्स रेपो दर के बारे में भी बता देता हूँ। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर वह बैंकों से अल्पकालिक नकदी लेता है। ठीक है नी, किस पे लेता है वो? रिवर्स रेपो दर पर, जिस पे बैंकों से कौन लेता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक नकदी के लिए ऋण लेता है। ठीक है नी, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रेपो दर में तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को देता है और रिवर्स रेपो दर में वाणिज्यिक बैंकों से केंद्रीय बैंक लेता है। ठीक है, उसकी प्रतिशत कितनी होती है? दर कितनी होती है? 5.75। ठीक है, वो इतने पर ही स्थिर रही है। नंबर चार बात है, बैंक दर 6.25% पर अपरिवर्तित रही है, यानी कि यहाँ भी कह रही है ये स्थिर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है MSLR कितने रही है? 6.25% यानी कि ये भी क्या रही है? स्थिर। नेक्स्ट CRR भी कितनी रही है? 4% रही है। और SLR भी कितनी रही है? 19.5% रही है। ठीक है, कितनी रही है CRR 4% और SLR 19.5% रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजकोषीय घाटे में आठवीं बात है, राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का जोखिम कायम रहा, यानी कि क्या रहा है उसमें? कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है नहीं, जो हमें आशंका थी वो नहीं हुई, लेकिन उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। तो ये राजकोषीय घाटे में जो बढ़ोतरी हुई है वो अप्रैल से नवंबर तक जो राजकोषीय घाटा है उसमें अप्रैल से नवंबर तक देखा गया तो कितना है? 6.12 लाख करोड़। ठीक है नहीं, 6.12 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, इतना हुआ, लेकिन जो अनुमानित था, जो लक्ष्य था उसका, वो लक्ष्य था 5.46। कितना था लक्ष्य? 5.46। ठीक है नहीं, 5.46 लाख करोड़ रुपये लक्ष्य था राजकोषीय घाटे का, कि इतना होने की संभावना है, लेकिन अप्रैल से नवंबर तक जो घाटा हुआ है वो हुआ 6.12 लाख करोड़ रुपये का। ठीक है नहीं, जिसे जो बढ़कर 112% तक पहुंचा, यानी कि इससे 5.46 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 112% पर पहुंचा है, जो कितना हुआ है? 6.12 लाख करोड़ रुपये। ठीक है नहीं, नौवीं बात थी इसमें, पांचवी मौद्रिक नीति समीक्षा में नौवीं बात है, ये नौवीं बात, आर्थिक वृद्धि का अनुमान पूर्व स्तर पर कायम रहा। ठीक है नहीं, जो आर्थिक वृद्धि है उसका अनुमान जैसी पूर्व की स्तर की स्थिति थी वैसी रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी। ठीक है नी, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कहाँ होगी? वो होगी बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पर ये शहर बर्मिंघम? ये है इंग्लैंड में। यहाँ पर 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की जाएगी। ठीक है नी, नेक्स्ट है सागर ध्वनि। ठीक है नी, सागर ध्वनि एक क्या है? एक सागर ध्वनि पौत है। सागर ध्वनि एक यानी कि ऐसा भारतीय पौत है जिसने ऐतिहासिक हिंद महासागर अभियान के रास्ते की खोज की। ठीक है नी, सागर ध्वनि ऐसा भारतीय पौत है जिसने ऐतिहासिक हिंद महासागर अभियान के रास्ते की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और यूके की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जिसका नाम था अजय वारियर 2017। यूके और भारत के बीच में ये सैन्य अभ्यास था, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये अजय वारियर 2017 की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान। ठीक है नहीं, शुरुआत राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने, ठीक है नहीं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये हसन रूहानी? ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित
ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित ठीक है चाबहार बंदरगाह के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, किसका उद्घाटन किया, चाबहार बंदरगाह का। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह, जो श्रीलंका में है ये, अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया है। ठीक है ना, किसको सौंपा है ये, 99 वर्ष के लिए सौंपा है। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने की बहुत बहुत संभावना है कि श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के लिए औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया है। ठीक है नी, चीन को सौंप दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम किसकी, संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम संबंधी प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है ना, यरूशलम संबंधी प्रस्ताव पारित, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। भारत सहित 120 राष्ट्रों ने 7 दिसंबर 2017 को, ठीक है नी, भारत सहित 120 राष्ट्रों ने 7 दिसंबर 2017 को यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। किसने दी थी मान्यता, अमेरिका ने। ठीक है नी, 7 दिसंबर 2017 को यरूशलम को इजराइल की राजधानी की मान्यता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी। तो इसके इस फैसले के खिलाफ भारत सहित 120 देशों ने इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया था। ठीक है नहीं, मतदान किया और 21 दिसंबर 2017 को यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया था। ठीक है नहीं, कि 21 दिसंबर 2017 को यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप की नई आरक्षण नीति, ठीक है किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की नई आरक्षण नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 दिसंबर 2017 को नई अंतरिक्ष नीति पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, किस पर किए, एक नई नीति बनाई उन्होंने 2017 को, 12 दिसंबर 2017 को, अंतरिक्ष नीति, जिसे कहा गया अंतरिक्ष नीति, जो नासा को अमेरिकी नागरिकों को पहले चांद पर और फिर मंगल ग्रह पर भेजने का निर्देश देती है। ये नीति क्या देती है, एक निर्देश देती है कि अमेरिका के व्यक्ति ही, यानी कि अमेरिका के नागरिक ही पहले चांद पर और फिर मंगल ग्रह पर भेजे जाएंगे। ठीक है नहीं, तो ये ऐसी नीति डोनाल्ड ट्रंप की आरक्षण, यानी कि नई आरक्षण नीति कहलाई। ठीक है, जो जिस पर हस्ताक्षर कब किए डोनाल्ड ट्रंप ने, 12 दिसंबर 2017। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक थे जीएस से रिलेटिव। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना।